मैं आपके साथ सुनैना, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24। तो चलिए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कुशीनगर कप्तानगंज तहसील दिवस में एडीएम और एसडीएम ने 2 का वेतन रोकने एवं 4 को कारण बताओ नोटिस जारी किए। अपर जिला अधिकारी विद्यावासिनी राय की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में कुल 86 मामले आए, जिसमें 15 राजस्व विभाग के मामलों का निस्तारण मौके पर कर दिया गया। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस पर उपस्थित नहीं रहने के कारण एडीएम ने प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज रामकोला अहिरोली बाजार व सीएससी प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही साथ एसडीएम ने तहसील के माल बाबू और आरके का वेतन रोकने का आदेश दिया। तहसील दिवस पर लोगों द्वारा शौचालय की एक गंभीर समस्या जो सामने देखने को मिली, कड़ी कार्यवाही के बाद तहसील सभागार में उपस्थित जिम्मेदारों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद कई जिम्मेदार मौके पर पहुंचे। तहसीलदार अहमद फरीद खान, नायब तहसीलदार राधेश्याम उपाध्याय, संध्या मिश्रा, एस के गुप्ता, भोलानाथ, सत्य प्रकाश कुशवाहा, अरविंद पांडे, ओम प्रकाश कुशवाहा, शिव मुरारीलाल श्रीवास्तव एवं समस्त राजस्व कर्मी मौजूद रहे। हिंदुस्तान न्यूज 24, पत्रकार मनीष तिवारी, हाटा, कुशीनगर।